में। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं वेपन रॉयले में आई हुई या फिर स्पेशल रॉयले में आई हुई बिल्कुल नई मेक इट रेन P90 जिसका रेट ऑफ फायर डबल है उसको एक और डबल रेट ऑफ फायर वाले P90 जो कि अब तक की सबसे OP P90 है उसके साथ, जिसको एग्जीक्यूशनर या फिर द पनिशर P90 भी कहा जाता है, उसके साथ जिसका रेट ऑफ फायर डबल है, डैमेज सिंगल अप है और रिलोड स्पीड माइनस है। अब इन दोनों गन की बात करूं तो पनिशर के अंदर रेट ऑफ फायर डबल होने के साथ साथ डैमेज अप है और रिलोड स्पीड डाउन है, जबकि मेकी ट्रेन के अंदर डबल रेट ऑफ फायर के साथ साथ रेंज अप है और रिलोड स्पीड माइनस है। तो आज इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं कि P90 की सबसे बेस्ट स्किन कौन सी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब मारो। 500 के होने आए हैं, 500 के ऊपर Q&A वीडियो होगा जिसके क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम के DM के थ्रू ले रहा हूं। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल में मैसेज कर दो आपका क्वेश्चन, सबसे अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूं Q&A वीडियो में और उनको रैंडमली मैं गिफ्ट भी भेजने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने पिन कमेंट के अंदर लिंक डाल के रखी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम रेट ऑफ फायर की कंपैरिजन से और सबसे पहले हम नई आई हुई मेकी ट्रेन P90 जिसका रेट ऑफ फायर डबल है उसको मेजर करने वाले हैं। और यहां पर उसके अंदर 50 बुलेट का मैगजीन है और उस मैगजीन को फायर होने में 4 सेकंड लगते हैं, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.08 सेकंड लगाती है। ठीक है, तो एक SMG गन के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फायर रेट है। ठीक है, और इसके पास तो डबल का एडवांटेज भी है, तो आगे देखते हैं पनिशर के साथ ये किस तरह से मैच करती है। तो अब देखते हैं पनिशर या फिर द एग्जीक्यूशनर P90 को। अब इसकी बात की जाए ना तो इसके अंदर भी 50 बुलेट का ही मैगजीन है पर यहाँ पर सरप्राइजिंगली सिर्फ 3.8 सेकंड लगे, मतलब कि पिछली वाली से 0.2 सेकंड कम है। और अगर सिंगल बुलेट की बात की जाए तो उसको फायर होने में 0.076 सेकंड ही लगते हैं। तो दोनों का फायर रेट डबल है मगर बुलेट फायर होने में कम टाइम लगता है द पनिशर को। अब अगर नॉर्मल P90 की बात करें हम तो नॉर्मल P90 के अंदर भी 50 का मैगजीन ही आता है और इसको फायर होने में सबसे ज़्यादा 4.5 सेकंड लगते हैं, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.09 सेकंड लगाती है जो कि पिछली वाली 0.76 और 0.8 सेकंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और ये मेजरमेंट विथाउट एनी स्किन और स्किल लिया गया है। अब अगर दोनों डबल रेट ऑफ फायर वाली को साथ में रखें उनका डिफरेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो यहाँ पर आपको मैगजीन के साथ में दिखा रहा हूँ डिफरेंस। आप देख सकते हो कि जब एग्जीक्यूशनर P90 लेफ्ट में है उसका मैगजीन पूरा हो जाता है तब मेकी ट्रेन की ऑलमोस्ट 3 या 2 गोली बाकी रहती है फायर होने में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि फायर रेट के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। अब आते हैं हम एक्यूरेसी के ऊपर गाइस। तो एक्यूरेसी की बात करें तो तीनों गन हम साथ में ले रहे हैं, मेकी ट्रेन, P90 एग्जीक्यूशनर वाली और नॉर्मल वाली। तो यहाँ पर रिकॉइल के अंदर कोई भी नोटिसेबल चेंज नहीं है, तीनों की जो रिकॉइल पैटर्न है वो एकदम आइडेंटिकल है। तो आप भले रेट ऑफ फायर ज़्यादा वाली गन लो मगर रिकॉइल के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब आते हैं गाइस हम डैमेज के ऊपर और सबसे पहले हम डैमेज देखने वाले हैं मेकी ट्रेन P90 का। अगर मेकी ट्रेन P90 की बात करें ना तो अगर आप उसको 10 मीटर तक चलाते हो तो आपको 23 का बॉडी शॉट और 126 का हेडशॉट मिलेगा। 20 मीटर तक आपको 21 का बॉडी शॉट और 115 का हेडशॉट मिलेगा। 30 मीटर तक आपको 17 का बॉडी शॉट और 83 का हेडशॉट मिलेगा। और 40 मीटर या उससे ज़्यादा में आप अगर फायरिंग करते हो तो आपको 15 का बॉडी शॉट और 82 का हेडशॉट मिलेगा। ये वैल्यूज़ विथाउट वेस्ट और हेलमेट है जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज हो जाती है। अब अगर बात करें पनिशर P90 की जिसके अंदर सिंगल डैमेज अप है, इसके अंदर अगर आप 10 मीटर तक फायर करते हो तो आपको 24 तक का बॉडी शॉट और 132 तक का हेडशॉट मिलता है। अगर 20 मीटर तक फायर करते हो तो आपको 22 का बॉडी शॉट और 121 तक का हेडशॉट मिलता है। 30 मीटर तक आपको 17 तक का बॉडी शॉट और 93 का हेडशॉट मिलता है। और 40 मीटर या उससे ज़्यादा आपको 15 का बॉडी शॉट और 82 का हेडशॉट मिलता है। अब यहाँ पर अगर दोनों के डैमेज को हम साथ में रखें तो आप देख सकते हो कि 30 मीटर तक पनिशर P90 डोमिनेट करती है 2 या 1 डैमेज ज़्यादा लेके। ठीक है, मगर जैसे ही
30 मीटर और 40 मीटर की रेंज आती है, दोनों का डैमेज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि P90 जो पनिशर है वो लॉन्ग रेंज में अपना रेंज प्लस ना होने की वजह से डैमेज कम कर देती है, जबकि जो मेक इट रेन वाली P90 है वो रेंज प्लस होने के कारण अपना डैमेज मेंटेन रखती है। मतलब कि अगर आप शॉर्ट रेंज में P90 यूज़ कर रहे हो तो पनिशर 110% मेक इट रेन वाली को आउट परफॉर्म करके निकल जाएगी। गाइज अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट डैमेज पर सेकंड के ऊपर। तो मेक इट रेन P90 का डैमेज पर सेकंड देखे तो उसके अंदर 50 बुलेट का मैगजीन 4 सेकंड में फायर होता है, मतलब कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.08 सेकंड में फायर होती है, यानी कि एक सेकंड में टोटल 12 बुलेट फायर कर सकते हो अगर क्लोज रेंज में इसको चलाते हो और सामने वाले बंदे के पास वेस्ट या हेलमेट नहीं है, तो आप एक मैगजीन के अंदर 276 तक का डैमेज पर सेकंड दे सकते हो, और अगर लॉन्ग रेंज में चलाते हो तो आप 180 तक का डैमेज पर सेकंड दे सकते हो। ये वैल्यूज बॉडी शॉट को लेके काउंट की गई है। अगर पनिशर की बात की जाए गाइस, तो इसके अंदर 50 बुलेट्स फायर होने में 3.8 सेकंड का टाइम लगता है, यानी कि एक बुलेट ऑन एवरेज 0.076 सेकंड लगाती है, तो एक सेकंड में हम 12 की जगह 13 बुलेट चला सकते हैं, और क्लोज रेंज में इसका डैमेज भी ज़्यादा है, मतलब आपको 312 का डैमेज पर सेकंड मिलता है क्लोज रेंज में, जबकि लॉन्ग रेंज में आपको 195 का मिलता है, जो कि अभी भी मेक इट रेंज से ज़्यादा है। अब अगर दोनों गन को हम आमने सामने रखें डैमेज पर सेकंड में, तो क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर जो पनिशर P90 है वो आउट परफॉर्म कर जाती है मेक इट P90 को। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ही कंक्लूजन निकलता है कि P90 पनिशर जो है वो पिछली बार भी किंग थी, अभी भी किंग है और आगे भी किंग रहेगी। तो अगर आप P90 के पीछे पैसे डालने वाले हो तो मैं आपको बताऊं कि आप पनिशर P90 स्टोर में से ले लो, इसके पीछे बिल्कुल भी पैसे मत डालो, क्योंकि ये P90 उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसका रेट ऑफ फायर डबल की बजाय 0.1% कम है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पनिशर P90 है वो 25% ज़्यादा फायर प्रोवाइड करती है, जबकि हमारी जो मेक इट रेन P90 है वो 20% तक ही फायर रेट इंप्रूव करके देती है, यानी कि उसका फायर रेट 1.8 टाइम्स ज़्यादा है 2 टाइम्स की जगह पर। तो यहाँ पर कंक्लूजन एक ही है कि पनिशर P90 इज बेस्ट, डोंट गो फॉर मेक इट P90, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।